दोस्तों हम लोग मिलने वाले हैं इस मज़ेदार वीडियो में चित्रकूट में बानर सेना से, और ये बंदर पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह दिखाई देंगे। ये भाई साहब जो प्रसाद तीर्थयात्री आते हैं तो जो भी इनको खाने को देते हैं, वो खाने के बाद भाई साहब हम देखिए खंभे पे भी चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल खा के लेटे रहते हैं, हम चढ़ते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो जो भी तीर्थयात्री आते हैं इन बंदरों को कुछ भी खाने के लिए देते हैं। ये देखिए ये भाई साहब तो टेरेस पे चढ़ के देख रहे हैं कि भाई कोई है क्या खिलाने पिलाने वाला, तो हम नीचे उतरे। यहाँ पे दो तरह के बंदर हैं, काले मुंह वाले और लाल मुंह वाले। काले मुंह बंदर वाले जहाँ भी रहते हैं वो भी एक साथ एकजुटता से रहते हैं। ये देखिए ये काले बंदरों की पूरी फौज और टीम, इन्होंने गन्ने वाले को घेर लिया। एक गन्ने वाले जरा हमको भी कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसे थोड़े तुम दुकान चला लोगे। हाँ ये मम्मी बेटा भी आ गए, ये सारे काले बंदरों की सेना चली आ रही है। ये देखिए ये लाल मुंह वाला बंदर डरते हुए इनके बीच में घुस रहा है कि भाई मुझे भी कुछ खिला दो, लेकिन काले वाले लाल वालों को दौड़ा लेते हैं। ये रेलिंग पे बैठना तो बंदरों का प्रिय खेल है। इस पूरे परिक्रमा मार्ग में ऐसे रेलिंग में बैठे हुए बंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए भाई साहब अंदर झांक रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो मैं बाहर आऊं, वरना मैं क्यों बाहर जाऊं। ये छोटे नटखू लाल भी क्या कर रहा है, ओए चिंटू चिंटू क्या कर रहा है रे। ये देखिए ये भाई साहब टहल रहे हैं इधर उधर, हम भी हैं भाई हम भी हैं। ये देखिए ये सारी की सारी बानर सेना पूरा परिवार इनका यहाँ पर टहलता हुआ कि कैसे, ओए ये क्या कर रहा है, जुआ बीन रहा है क्या यार हैं, या धूप सेक रहा है इसमें। इस पूरी रेलिंग पे आपको बंदर दिखाई देंगे, पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको बंदर दिखाई देंगे, पूरी इस जाली पे ऐसे ही हरकतें किलोले करते हुए बंदर दिखाई देंगे। ये देखिए इनका खेल चल रहा है, दौड़ो दौड़ दो, पकड़ 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 पकड़, भाग गया ससुरा, मैं नहीं तो पकड़ के ही दिखाता। ये देखिए भाई साहब जुआ निकालने में व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और ये भी साथी बैठे हैं ये चिंटू राम, धीरे धीरे उतर के बाहर आते हुए, अरे भाई कुछ कुछ मुझे भी खिला दो। इस तरह के बंदरों की किलोलें हरकतें नज़ारा बहुत दिखेगा तालाब में एकजुट में पानी पीते हुए। और ये सारे बंदर कहा जाता है भगवान राम की सेना में शामिल थे, उनके वंशज हैं ये, और यहाँ भगवान राम और हनुमान जी का क्षेत्र है, इसलिए पूरे परिक्रमा में बंदर पाए जाते हैं। वैसे तो बंदर परेशान नहीं करते, आप आराम से इनको कुछ खिला पिला सकते हैं। ये क्या हो रहा है भाई साहब, अरे चाची मेरा हाथ देख लो जरा। ये देखिए ये दोनों बंदर हाथ देख रहे हैं ज्योतिषी महाराज, आराम से देखो मैं लेटा जा रहा हूँ, चाची देखो तुम आराम से, हाँ ला बेटा आशीर्वाद ले लो, हम तुम्हारा भी हाथ देख रहे हैं, चिंता नहीं करो। हाँ चाची देख लो, जब हाथ देख लेना तो हमारे सर से जुए भी निकाल देना तुम्हें। ये देखिए चाची का कमाल और चाची का भतीजा, पहले हाथ दिखा रहा था अभी लेट गया, चाची भी लगी है आराम से जुआ देखने में। निकालो निकालो, लगे रहो खा लियो, सुबह से बढ़िया खा पी लिया, फुर्सत से बैठे हैं तो चाची आराम से जुआ देख रही है। यह देखो चाची को, भतीजे भी उठ के बैठ गया, ये पूरा कुनबा ये भी लगे हैं, लाओ भाई तुम्हारे जुआ हुआ जो भी हो निकाल दे। बंदर इस तरह गतिविधियों में लगे हुए आपको इस पूरे परिक्रमा मार्ग में दिखाई देंगे। देखिए पूरा कुनबा लगा हुआ है, कोई किसी को कर रहा है, तो पूरे रास्ते में आप इनको कुछ भी खिला दो। ये देखिए भाई साहब इनको मूली मिली है, मूलिए में चालू हैं, अरे कुछ दे दो इनको, और अगर आपने नहीं दिया तो हम गैंग बना के आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में खाने पीने का सामान दिखा तो ये बंदर छीना छपटी भी कर लेते हैं, इसलिए जब भी परिक्रमा में जाएं आपके हाथ में कोई सामान ना दिखे, क्योंकि अगर इनको सामान दिखा तो ये भाई साहब पूरी की पूरी टीम दौड़ा लेती है। ये देखिए सफ़ेद टी शर्ट वाले भाई साहब के पीछे टीम लग गई, आज न छोड़ेंगे ओ हम जोली, खोलेंगे हम पोटली। देव भैया देव, अब इनको खिलाओ, हनुमान जी की बानर सेना, इनसे बच के नहीं जा सकते आप। इन्होंने अगर आपके हाथ में प्रसाद देख लिया तो फिर तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। ये देखिए ये बानर सेना ने घेर लिया इनको, बच के कहाँ जाओगे बाबू, या देखो ये घेर लिए हैं, अब हम नहीं जाने देंगे। इन्होंने अगर देख लिया कि आपके हाथ में खाने पीने का सामान है तो भूल जाओ, तुम कितने भी तू कर ले सितम, प्रसाद तो लेकर रहेंगे हम। ये देखिए ये सामने बैठ गए हैं, कोई भी आए कहीं से भी आए, इनको तो अब खाना ही है, परिक्रमा नहीं करने देंगे, आप टेंशन नहीं लो। ये देखिए बानर सेना बैठ गए इन भाई साहब को, सफ़ेद टी शर्ट वालों को पकड़ के कि रुको बेटा। और ये देखिए काले बंदर उछल कूद मचाते हुए, मैं तो कूद गया तू भी आ जा पीछे से। ये पूरा कुनबा आराम से धूप सेंक रहा है खाना खाने के बाद। तो इस तरह के बहुत सारे नज़ारे मिलेंगे, बड़े सुंदर नज़ारे मिलेंगे देखने को, छतों से कूदते हुए। ये भाई साहब झोला पा गए थे, झोले का क्या किया, ओहो नीचे वाले को भेज दिया, ओ कोई बात नहीं, मैडम जाएगी बाजार झोला लेके।
चली जा मैडम, जब बाजार से कुछ खरीदारी करके ले आ। तो ये सारे बंदर, इनको आप हाथ से भी कुछ खिलाते पिलाते हैं तब तो ठीक है, वरना अगर आपका कोई सामान पाए तो लेके भाग जाते हैं ये। ये मैडम झोला लेके बैठी हैं, मैं तो चला ऊपर बैठूंगा यार, मुझे तो कहीं नहीं जाना। तुम बैठो जी नीचे, मैं तो आपसे ऊपर बैठी हूँ। ये पूरा कुनबा इत्मीनान से बैठा हुआ। तो बंदरों की एक अलग ही दुनिया है, ये पूरे हनुमान जी के गण वंशज इस पूरे माहौल को एक अद्भुत नज़ारा देते हैं। अगर इनके बिना तो पूरा चित्रकूट ही सूना है। ये देखिए आराम से पत्थर में धूप सेंकते हुए रेलिंग पे बैठे हुए, अगर आप इनको कुछ भी खिलाते हैं। और जगह जगह देखिए इस तरह की जगहें भी बनी हैं कि आप बंदरों को खाने का सामान रख सकते हैं, यानी अपने हाथ से ना खिलाएं और खिलाएं तो सावधान रहें। खासतौर पर अगर छोटे बच्चे हैं अपने साथ में तो खाने पीने का सामान खिलाते समय सावधान रहें, वरना बंदर कभी कभी हमला भी कर देते हैं। और उनसे मजाक और चिढ़ाएँ तो बिल्कुल नहीं, अगर आपने एक बार खी किया तो वो चार बार खी करेंगे, इसलिए उनको ये दिखाने की कोशिश ना करें। और वैसे भी बंदर हमारे पूर्वज ही कहलाते हैं। और ये देखिए ये भाई साहब फटाफट खाने में जुटे हैं। चलिए कुछ तो बंदर यहाँ भी खाते पीते हैं। और ये भाई साहब पेड़ में क्या कर रहे हैं? ओहो, ये पेड़ में भी इनको कुछ खाने पीने का जुगाड़ दिख गया। ये देखिए माँ बेटा यहाँ लगे हैं ढूंढने में। चलो देखो भाई, शायद कुछ मिल जाए। कुछ बंदर आपको फोटो सेशन कराते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे ये भाई साहब का पूरा परिवार। ये देखिए ये बैठे हैं आराम से। आइए आइए, सेल्फी खींच लीजिए हमारे साथ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। ये सारे रास्ते में नज़ारे, आओ सेल्फी खींच लो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे भाई। आप जैसे ही कैमरा निकालेंगे ये भागते हैं चारों तरफ, लेकिन ये बंदर तो भाई सेल्फी देने के लिए बैठा। ओहो, गांधी जी के तीन बंदर, क्या बात है। गांधी जी के तीन बंदरों का नज़ारा भी आप ले सकते हैं। बहुत खा लिया भाई, चलो मंदाकिनी का पानी भी पी लेते हैं। जैसे ही घाट खाली मिलता है ये बंदर पानी की तरफ जाते हैं, पानी पीते हैं। छोटे छोटे बंदरों के बच्चे अपनी माँ से चिपके हुए, किलोले करते हुए, बहुत सारी ऐसी हरकतें जो आपको बहुत अद्भुत सुख देंगी, नज़ारा देंगी। ये मंदाकिनी का सुंदर दृश्य, मंदाकिनी का बढ़िया पानी। ये देखिए माँ बेटे कैसे उछल कूद करके जाते हुए। आपने जरा सा इनको खाना दिखाया, पूरा का पूरा इनका कुनबा आपके पास आ जाएगा, आपके हाथ से पकड़ के खाएगा। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, वैसे बंदर हमला जल्दी नहीं करते हैं। चित्रकूट के बंदर हैं ये जिनको आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये पूरा का पूरा कुनबा। मम्मी पापा भैया भाई बहन, पता नहीं कौन कौन है इसमें, तो हमको तो पता भी नहीं है भाई, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये पूरा कुनबा है जो इकट्ठा है। ए भैया तुम क्या कर रहे हो? ले मुझे लाई मिल गई, मैं तो अकेले ही बैठ के खाऊंगा, किसी को नहीं खिलाऊंगा। ये देखिए इसको किसी ने चढ़ाया, ये उसको चढ़ा रहा है, मैं कट्टू कर लूँगा, धोखे में न रहे ना। ये मैडम सावधान, मैं आ रहा हूँ। पूरी बानर सेना एक साथ, ये गैंग वार का एक नज़ारा देखिए। एक बड़ा बंदर छोटे बंदरों को कैसे दौड़ा रहा है, भाग 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 यहाँ से, नहीं तो मैं आया। ये बंदर तो किसी को खाने ही नहीं दे रहा भाई, कह रहा मैं अकेले ही सारी चीज़ें चट कर जाऊँगा। लेकिन बाकी लोग मौके की फिराक में हैं इस बड़े भाई साहब की, और धीरे धीरे कुछ दोस्ती बना के आसपास से आ भी रहे हैं, गाय भी है इनके साथ में। लेकिन देखिए अभी क्या होता है। ए मैडम दूर हटो, इनके बीच में मत जाओ। ये देखिए दो की लड़ाई में कहते हैं ना तीसरे का फायदा, वो देखिए दो लड़के निकले और ये पूरी बानर सेना इधर टूट पड़ी खाने पे। तो बंदरों की इस अलौकिक दुनिया को आपने इतने आनंद के साथ देखा। जब भी आप चित्रकूट जाएं, सावधानी से इन बंदरों को देखें, ये हमारे प्राकृतिक जीव हैं जो चित्रकूट की खूबसूरती बढ़ाते हैं। भगवान बानर की सेना के हिस्सा हैं ये, हमें इनके साथ दया प्यार से पेश आना है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।